तो ये है Redmi Note 8 Pro और इसमें सिस्टम अपडेट हमें प्ले स्टोर की तरफ से मिला। आपको बताऊंगा इसमें क्या नया देखने को मिलेगा और किस तरह से आपको ये अपडेट्स मिलते हैं प्ले स्टोर की तरफ से, वो भी सिस्टम अपडेट जो कि आपका सिस्टम अपडेट होता है वो, तो आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं कीवर्ड। तो उसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपनी सेटिंग्स में। यहाँ पर दिखेगा आपको सिक्योरिटी स्टेटस, तो यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारा फेब्रवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल दिखा रहा है और यहाँ पर हम जाएंगे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, तो यहाँ पर हमें अपडेट दिख रहा है जो कि 6.3 KB का है, सिर्फ इतने KB का, और यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल का बटन भी आ रहा है, तो हम इसको अभी डाउनलोड करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये एंड्रॉयड 10 में ये फीचर था, ऑफिशियली फीचर है एंड्रॉयड 10 में, आपको सिक्योरिटी पैच लेवल के अपडेट जो है वो डायरेक्टली गूगल प्ले की तरफ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ और फिर देखते हैं हमें क्या होता है। तो यहाँ पर दिखा दिया कि अपडेट हो चुका है और सिक्योरिटी पैच लेवल हमारा 1 मार्च का हो चुका है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। मतलब आपको पूरे सिस्टम अपडेट मिलते थे लगभग 100 MB के, 200 MB के, जो कि आपको सिस्टम अपडेट मिलते थे सिक्योरिटी पैच लेवल के लिए सिर्फ, लेकिन अब आप इसको यहीं से अपडेट कर पाएंगे। मतलब आपको यहाँ पर अबाउट फोन में जाकर सिस्टम अपडेट जो होता है इसमें जाकर आपको अपडेट मिलते थे सिक्योरिटी पैच लेवल के भी, काफ़ी ईजिली आप अपने सिस्टम को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल पर अपडेट कर पाएंगे। जैसे कि अभी मार्च का मिला है और मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें अप्रैल का मिलना चाहिए था, तो शायद अप्रैल का भी जल्दी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको सिक्योरिटी पैच लेवल मिलते रहेंगे। अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 10 इंस्टॉल्ड है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको भी इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा और उसको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल पर अपडेट कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैंने ये भी वीडियोस बना रखी है, आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं।